अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों और मेरी पढ़ना से माओ बहनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आपसे पहले अल्लाह की रहमत और बरकत। मैं अपने इस्तक़रार शुरू करने से पहले कुरान मस्जिद की एक आयत सुनाना चाहूँगी। अल्लाह फरमाता है सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 56 में, इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलैन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा है बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते रसूल पे दरूद और सलाम भेजता है, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो आइए हम सब मिलकर हमारे प्यार रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज की हमारी तकरीर का मौजू है आसमानी किताबें। दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, मगर हकीकत में सबसे अच्छी किताब और सच्ची किताब वो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है। जो किताब अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है उसे आसमानी किताब कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी किताबें भेजी है, मगर नाम से चार आसमानी किताबें हैं। पहला तौरात, दूसरा इंजील, तीसरा जबूर और चौथा कुरान। तौरात को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। इंजील को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। जबूर को अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। और कुरान को अल्लाह ताला ने खातिमुल नबी यानी कि सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। तौरात, इंजील और जबूर ये तीनों किताबें उस समय के लोगों के लिए ही भेजा गया था, मगर कुरान को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लोगों के लिए भेजा है। तो मगर इन चारों आसमानी किताबों पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है। कुरान को नाज़िल होने में 22 साल 5 महीना 14 दिन का समय लगा। अल्लाह अपने सबसे बड़े फरिश्ते जिब्राइल अमीन के ज़रिए ज़रूरत के मुताबिक समय समय पर आयत भेजा करते थे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर आकर वही आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम से लिखवाया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार सबसे करीबी साथी थे जिन्हें सहाबाए कराम कहा जाता है, जिनके नाम हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अन्हु, हज़रत और हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अन्हु। उन सब पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत। बेशक ये कुरान वह किताब है जो हक को बातिल से अलग करती है यानी कि इंसाफ करती है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो मना करती है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजते हैं उन्हें बुरा भला मत कहना। बेशक ये कुरान वह किताब है जो कहती है कि किसी एक बेकसूर इंसान को कत्ल करना सारे इंसानों को कत्ल करने जैसा है, और किसी एक बेकसूर इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने जैसा है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका बतलाती है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो हमें जन्नत की खुशखबरी और जहन्नम की डर सुनाती है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो हमें सब्र करने का हुक्म देती है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो सारे जहान के लिए रहमत बनकर आई है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो क़यामत तक महफूज रहने वाली है। बेशक ये कुरान वह बात है जो अल्लाह ताला की तरफ से बोली गई है। बेशक ये कुरान वह रोशनी है जो दिल और दिमाग को रोशन करती है। बेशक ये कुरान वह किताब है जो हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाती है। बेशक ये कुरान वह मजबूत रस्सी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता यानी कि कुरान की आयतों को कोई बदल नहीं सकता। बेशक ये कुरान वह किताब है जो सारे जहान के रब की तरफ से भेजी गई है। बेशक ये कुरान वह रास्ता दिखलाती है जो सबसे सीधी है।
अगर समंदर मेरे रब की बातों को लिखने के लिए स्याही हो तो सात समुंदर और भी सूख जाएंगी, पर मेरे रब की बातें कभी खत्म ना होंगी। वा आखरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।